आपके उद्देश्यों पर चलने के लिए मैंने यात्रा प्रारंभ की है। मेरा पहला दिन है और मेरी मुंबई यात्रा का पहला वीडियो है, कृपया इसे जरूर साझा करें। अपनी इस यात्रा का पूरा वृत्तांत आपको दिखाऊंगा, कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और अंत तक जरूर यह वीडियो देखने का कार्य करें और साझा भी करें। पहले दिन का ये वीडियो पूरी इस यात्रा का आप देख सकेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरी ट्रेन छूट ना जाए इसलिए मैंने मऊ स्टेशन ना जाकर मैंने शॉर्टकट अपनाया और जल्दी से मैं स्टेशन पहुँच गया। टाइम से पहले ट्रेन को आते देखते मैंने दौड़ लिया और दौड़ने पता चल गया ट्रेन हमारी नहीं है, लोकल पैसेंजर है। पहली बात तो रूट चेंज, दूसरी बात की 2 घंटे लेके मैं ही नहीं ये बच्चा भी परेशान था। और क्या कहता था उसने, पहली बात ये तो पता चली जाती है कि इस यात्रा में केवल मैं ही नहीं परेशान होने वाला हूँ और सभी बच्चों के साथ साथ और भी गार्जियन परेशान होने वाले हैं। 2 घंटे ट्रेन लेट आती है और मैं अपनी ट्रेन की यात्रा प्रारंभ कर लेता हूँ गोदान एक्सप्रेस के साथ। ट्रेन का वेट करते करते काफ़ी समय बीत गया और पता नहीं चला 2 घंटे लेट है ट्रेन। और आगे की जो इस यात्रा में मई जून की जो भीड़ थी वो दिखाई नहीं पड़ी। यात्रा में एक ऐसे नारे लगाते हुए कुछ व्यक्ति मिले जिन्होंने बताया कि शिक्षा का सभी को अधिकार है, लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन मजे की बात तो ये थी उनके नारे और उनके जो हौसले थे वो काफी अच्छे थे। जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो, जाति धर्म के झगड़ों में हम बर्बाद तुम बर्बाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे देश में प्राइवेट स्कूलों का ताला बाना पूरा खबर किया जा रहा है। आज हमारे देश प्राइवेट स्कूलों की हालत ये है कि आपके पास जैसे क्षमता है आप जाकर वहाँ पर शिक्षा खरीद। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है तो 1,00,000 रुपए वाला स्कूल है, अगर आपके पास 500 रुपए है, 100-200 रुपए है तो 100-200 रुपए वाला स्कूल। ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूल पूरे समाज में खुले, मानी कि आपकी जो क्षमता है आप उसके आधार पर शिक्षा जाइए खरीदिए और आपसे उसी आधार पे आपकी योग्यता भी डेवलप। क्योंकि भारत का जो सबसे महंगा स्कूल वह ज्योति राशि दिया था, जहाँ पर एक साल की फीस 17,00,000 रुपए है। 17,00,000 रुपए देकर एक गरीब आदमी भी अपने बच्चों को वहाँ पर नहीं पढ़ा। इसके अलावा दूसरी तरफ जो सरकारी ढांचा खुला है, सरकारी ढांचों की स्थिति है वहाँ पर सही से टीचर नहीं पढ़ सकते। सरकारी स्कूलों में आज से 20-25 साल पहले हम लोग पढ़ के आईएएस पीसीए डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बने, वह सरकारी स्कूल आज पूरी तरह से तबाह है। क्यों? लगभग 15 मिनट का भाषण देने के बाद भाई साहब ने लोगों से चंदा मांगा और एक छोटा सा पेपर जो मैंने आपको दिखाया था वो दिया और फिर वापस चले गए। जनता काफी चालाक थी, उन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग तो नहीं किया, पर मैंने भी कहा कि मैंने आपको सहयोग तो करूंगा लेकिन ऐसे नहीं सोशल मीडिया से, अब बाकी आपकी मर्जी। 5:50 तक मेरी ट्रेन इलाहाबाद पहुंच चुकी थी और फिर इलाहाबाद स्टेशन का सैर करने के लिए उतरता हूँ और घूमता हूँ और देखता हूँ क्या है यहाँ पर नजारा। पर शाम हो गई थी तो मैंने सोचा कि कुछ खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। मैंने देखा एक बाटी चोखा की दुकान और वहाँ पर जाकर चोखा लेने का कोशिश किया, पर मुझे याद आया कि मेरे पास तो खाना है। फिर मैं प्लेटफॉर्म पर विशेष कॉफ़ी की चाय वाली दुकान जो अमूल की थी वो ढूंढने लगता हूँ और ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय बाद मैं पहुँच जाता हूँ। अमूल की बेहतरीन कॉफ़ी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर है और हर प्लेटफॉर्म नंबर पर ये अवेलेबल है। भैया एक कॉफ़ी दीजिएगा। भैया कितनी कॉफ़ी है? 15। तो 5 रुपये बढ़ा दिया आपने। अमूल बढ़िया ना हो तो कोई बढ़िया नहीं होगा। अरे चाचा कहाँ है पैसा, टेंशन रखा ना मिले पैसा हो कहाँ। जैसे थे दुबे जी वैसे ही इन्होंने बनाई अपनी अच्छी सी कॉफी और मैंने वहाँ से ली कॉफी। भैया अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। कॉफी लेके जैसे ही मैं पहुँचता हूँ अपनी केबिन में यानी ट्रेन में तो देखता हूँ वहाँ पे जो कैसा उठा था अभी? इसके ऊपर उठा था, मेरे ऊपर उठा था। बुलाने मार मार करते हुए मेरे भी मारने की इच्छा जागृत हुई, पर मैंने सोचा कि इसका उपाय ये नहीं है, सुलह करा देते हैं। फिर मैंने IRCTC को मेल किया जैसा सचिन ने बताया था। समस्या का समाधान चाहते हैं। ट्वीट करते ही तत्काल आ जाते हैं सीआरपीएफ वाले। क्यों? फाइनली ट्विटर का कमाल एक बार फिर देखने को मिला और इनको फिर से एक बार सीट मिली और ये अपने बच्चे को साथ आराम से जाकर सो गए। फाइनली काफी मशक्कत के बाद
बच्चे को और ले जाकर उनको दूसरी सीट मिली और ये अपने बच्चे को ले जा रहे हैं और काफ़ी ट्विटर और सचिन का सहयोग से यही। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फाइनली रात में जबलपुर में कॉफ़ी लिया और ये थी मेरी आज की यात्रा।